नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। गुड़गांव गोलीकांड में जज की पत्नी और बेटे को गोली मारी थी इन्हीं के गर्मा ने। पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। आप देख रहे हैं हिसार से प्रवीण कुमार की ये रिपोर्ट। हिसार में ही आज जज श्री कांत की पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया। जज कृष्णकांत की पत्नी का उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। अतिरिक्त जिला स्तर न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु का अंतिम संस्कार हिसार के ही बस स्टैंड के पास स्थित शमशान घाट में किया गया है। अंतिम संस्कार में हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ताओं और सामाजिक संस्थाओं, समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वहीं आज हिसार के कोर्ट परिसर में शोक व्यक्त करने के लिए वकीलों ने वर्क सस्पेंड रखा और अधिवक्ताओं और अधिकारियों ने अंतिम संस्कार में पहुंचे। हिसार बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अमित सैनी ने बताया कि हाल ही में गुड़गांव में एक कृष्णकांत की पत्नी रितु व उसके बेटे ध्रुव को गोली से घायल कर दिया था। बाद में उन्हें गुड़गांव के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इलाज के दौरान जज की पत्नी रितु की वहीं मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके बेटे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज ये बड़े दुख की घड़ी है, इस घटना की हम वे सभी मिलकर के निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हिसार में जज कृष्णकांत की पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें राजनीतिक नेताओं, अधिवक्ताओं और अधिकारियों ने भाग लिया। तेरह तारीख को पिछले परसों ही 4:30 बजे श्री कृष्णकांत जी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुड़गांव में नियुक्त हैं, जो कि 2014 तक जिला बार एसोसिएशन हिसार के सदस्य थे, जो काफ़ी प्रभावशाली एडवोकेट भी रहे हैं, और जो 2014 में जिनकी पहली ज्वाइनिंग रोहतक में एज ADJ हुई थी, जो अब गुड़गांव में थे, तो परसों 4:30 बजे उनका बेटा और पत्नी जो कि मार्केट में गए थे, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन्होंने वहाँ पर सेक्टर 49 में उनको दोनों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिनका कि मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान श्री कृष्णकांत जी की धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, और जिसके शोक स्वरूप आज जिला बार एसोसिएशन ने
वर्क भी सस्पेंड रखा। हिसार बार एसोसिएशन ने ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के बार एसोसिएशन ने विभिन्न जिलों में इस रोष स्वरूप अपना अपना वर्क सस्पेंड रखा है। किशन कांची हिसार से रहने वाले हैं। इनके पिता भी जिला बार एसोसिएशन हिसार के पिछले काफ़ी वर्षों से अधिवक्ता भी हैं और सदस्य भी हैं और टैक्स बार एसोसिएशन हिसार के 3 बार प्रधान भी रह चुके हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हैं। आज उनका अंतिम संस्कार था 2:30 बजे, जिसके अंदर प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं समस्त न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया और भी मौजूद व्यक्ति नेतागण आज यहाँ पहुँचे हैं, जो कि काफ़ी दुख का विषय है हमारी बार एसोसिएशन के लिए भी और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी। जो भी न्यायिक वर्क करते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक आज का समय है।